अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा खलकल इंसान वअंतकलहु लिसान बिकलिमातिन मुतलफतिन मिन लुगातिन मुख्तलिफा लियुअब्बिर बिहा अम्मा फिस्सुदूर मिन अलहाजात في مجاري الأمور والعادات والصلاة على رسوله محمد سيد البشر المخصوص بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے इलाही दे मुझे तर्ज तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे मुझे अफकार सालेह कर अता तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। मेरे दोस्तों हाजरीन अंजुमन और मिल्लत इस्लामिया के पासवानों आज के इस बावकार अंजुमन में आज की इस बाबरकत महफिल में उन बाबरकत लोग का तज़किरा होगा उन असहाब खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु ने इरशाद फरमाया। ये वो लोग हैं जिनके कुलूब को अल्लाह पाक ने तकवा के लिए खालिस कर दिया, इनके लिए मगफिरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नीज सरवरे कायनात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे तुम रास्ता पा जाओ। मेरे दोस्तों खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा, इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, आखिर में शहंशाह फतह ताजदार मदीना सरवर कायनात कौनैन के सरवर साकी कौसर शाफ़ महशर महबूब रब अकबर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और साथ ही साथ ये कैद भी लगा दी कि अब नबियों का सिलसिला खत्म, अब रसूलों का सिलसिला खत्म, अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा और मुकद्दस जमात अता फरमाई जिन्होंने दीन इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। मेरे दोस्तों चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर वो कुर्बानियाँ पेश की हैं जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तही दामन और खाली है, जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत कासिर है। मेरे दोस्तों यही वो सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, अपनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हजरात सहाबे किराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया और हादी आज़म रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अदा फरमाई। अल्लामुल गुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया, सहाबा का ये मुकद्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंदे कुद्दूस ने इनाम में उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुज़दा सुनाया। मेरे दोस्तों हकीकत तो ये है सहाबा किराम दीन के सुतून हैं, सहाबा किराम कुंतुम खैरा उम्मतिन के बिला वास्ता मुखातब हैं, सहाबा पाकबाज़ हैं, उनके कुलूब तक़वा तहारत से लबरेज़ हैं। मेरे दोस्तों मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों सहाबा वाजिबुल एहतराम हैं, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है।
मेरे दोस्तों, ये उस आबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये उस आबा हैं जिन्होंने आफ्ताबे हिदायत से बिलावास्ता नूर हासिल किया। ये उस आबा हैं जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। ये उस आबा हैं जिन्होंने खौफे खुदा का सरमाया हासिल था। ये उस आबा हैं जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़ाए हक़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। ये उस आबा हैं जो हक़ को सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। ये उस आबा हैं जो सरबकम मुजाहिद थे। ये उस आबा हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर लबैक कहा। ये वो साहब है जिनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वो साहब है जो मौत से नहीं बल्कि खुद मौत उनसे डरा करती थी। ये वो साहब है जिनको समुंदरों ने रास्ता दिया। ये वो साहब है जिनको शेर ने सवारी दी। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि दरबारे रिसालत से उनको असाबिकन नजूम का मुजदा मिला। यही वजह है कि बारगाह रिसालत से उनको असाबिकन नजूम का लकब मिला। मेरे दोस्तों, कुरान ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, मगर ए मजहब इस्लामिया के मतवालों, आज से 1400 बरस पहले ही, आज से 1400 साल पहले ही रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका नजात पाने वाला होगा। और नजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामजन होगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के कैरेक्टर को फॉलो करेगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के अखलाक को हाईलाइट करेगा, जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नतों को लाइक करेगा। मेरे दोस्तों, वही जमात जन्नत में जाएगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस मेरे दोस्तों, रोने का मकाम है, कि मोहसिन इंसानियत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई हर बहर बला रैब सादिक हुई। कोई तकलीद कैद में जवाज का कायल है तो कोई खत्म नबूवत का मुनकिर है, कोई हदीस पाक का मुनकिर है तो कोई कुरान पाक की तहरीफ का कायल है, कोई रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर व नाजिर और मुख्तार उन्होंने मुख्तार कुल होने का अकीदा तराशे हुए हैं। मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात और फिरका वो भी है जो साहबे किराम पर कीचड़ उछालता है, जो साहबे किराम की दामन इफ्फत को दागदार बना रहा है, जो साहबे किराम के तकद्दस को पामाल कर रहा है, जो साहबे किराम की इज्जत पर डाका डाल रहा है। मेरे दोस्तों, चुनांचे लिटरेचर तैयार हो रहा है, जब वो रोज मेहनत जारी वो सारी है। मेरे दोस्तों, ये कौन लोग है? मेरे दोस्तों, ये लोग वही हैं जिनका खुद साख्ता नाम जमात इस्लामी है। मेरे दोस्तों, साहबा के फजाइल नजर नहीं आते, साहबा की मुहासिन नजर नहीं आते। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर है क्या आफ्ताब का। मेरे दोस्तों, आज भी कहीं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, आज भी बहुत सारी जगह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत को दागदार बनाया जा रहा है, हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर धब्बा लगाया जा रहा है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां दी जा रही है। फिर दोस्तों, इसी पर बस नहीं, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह तौर पर मुखालिफत की है, और माल गनीमत के तकसीम के वक्त इन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी की है। मेरे दोस्तों, काश उन बुराई करने वालों का कलम टूट जाता, काश उन बुराई करने वालों का हाथ चल हो जाता, काश उन बुराई करने वालों की जुबान माऊफ हो जाती। मैं पूछना चाहता हूँ उन बुराई करने वालों से, तुम मुझे जरा बताओ तो सही कि अरब के तपते हुए सहरा और चिलचिलाती धूप में जुल्म सितम किसने बर्दाश्त किया, तो तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे कि सहाबा ने। मेरे दोस्तों, दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियां किसने पेश की, सहाबा ने। गर्दनें किसने कटाई, सहाबा ने। जान का नजराना किसने पेश किया, सहाबा ने। औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किसने किया, सहाबा ने। बातिल के झंडे किसने उखाड़े, सहाबा ने। हक़ सदाकत का परचम किसने लहराया, सहाबा ने। कुफ्र और शिर्क का गला किसने घोटा, सहाबा ने।
फाके पर फाका किसने किया? साहबा ने। पेट पर पत्थर किसने बांधा? दोस्तों साहबा ने। अलगर्ज मेरे दोस्तों, साहबा किराम ने वो हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए हैं जिनको दुनिया फरामोश नहीं कर सकती, जिनको दुनिया कभी भुला नहीं सकती। मेरे दोस्तों इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। एक वो लोग थे हाय क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक वो लोग थे हाय क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं हाय अफसोस है बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।